हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आज हम बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्रॉप्स राइस की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों राइस की। राइस जो है दोस्तों ये मुख्य फसल है। ठीक है, ये स्टेपल क्रॉप्स, ये स्टेपल क्रॉप है कश्मीर की। ओके, कश्मीर की ये मुख्य फसल है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम राइस की बात करें तो राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। ओके, तो ये खरीफ क्रॉप है और इसको बीजा जाता है दोस्तों मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, सोन इन मार्च से अप्रैल के बीच में इसको बीजा जाता है। ठीक है, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है दोस्तों हार्वेस्टेड ऑटम सीजन में। ठीक है, इसको बीजा कब जाता है, मार्च से अप्रैल के बीच में और ऑटम सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम राइस की कल्टीवेशन की बात करें, कल्टीवेशंस ऑफ राइस के लिए दोस्तों हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत होती है। ठीक है, हॉट भी होना चाहिए एंड नमी भी होनी चाहिए उसमें। ओके, तो इस तरह के जो क्लाइमेट होता है उसकी जरूरत होती है कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करें दोस्तों जो राइस जो है ये मोस्टली वैली ऑफ कश्मीर में ग्रो की जाती है। ठीक है, ग्रोन इन वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये मोस्टली वैली ऑफ कश्मीर में ग्रो की जाती है। और अगर हम बात करें वैली ऑफ कश्मीर जो है ये सी लेवल से 2100 मीटर की ऊंचाई पे जो राइस जो है वो फसल उगाई जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें इसको। देखिए, इंपॉर्टेंट क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की राइस, ये स्टेपल क्रॉप है, वहां की मुख्य फसल है ये इसको खरीफ क्रॉप है ये। ठीक है, और ये बीजी जाती है मार्च से लेकर अप्रैल तक और ऑटम सीजन में इसको हार्वेस्ट की जाती है। और कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए हॉट एंड मॉइस्चर टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसकी जरूरत होती है। और जो वैली ऑफ कश्मीर में मोस्टली जो ग्रो होती है, और वैली ऑफ कश्मीर कितनी हाइट में 2100 मीटर सी लेवल से ऊपरी जो इलाका जो है वहां पे आपको राइस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे बात करें दोस्तों जो कश्मीर वैली है। ठीक है, कश्मीर वैली को हम कश्मीर वैली को दोस्तों राइस बोल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, राइस बोल ऑफ द स्टेट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अगर हम जम्मू की प्लेन एरिया की बात करें, अगर हम प्लेन एरिया ऑफ जम्मू की बात करें, ठीक है, तो राइस जो है वो बीजी जाती है जम्मू में जून से जुलाई के बीच में। ओके, सोन इन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्ट की जाती है ऑटमन सीजन में। ओके, तो यहां पे भी ऑटमन सीजन में इसको हार्वेस्ट की जाता है और बीजी जाती है जून से लेके जुलाई के मंथ में। ओके, तो जम्मू में दोस्तों एक तहसील पड़ती है आरएस पूरा। ठीक है, रणवीर सिंह पूरा के नाम से ये तहसील बनती है। तो इस तहसील में दोस्तों जो राइस जो है बासमती राइस वो काफी फेमस है। ओके, फेमस कौन से राइस, बासमती। ठीक है, बासमती राइस जो काफी फेमस है और बासमती राइस जो है दोस्तों यहां से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, यहां से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं बासमती राइस। ठीक है, काफी फेमस है, आरएसपुरा में ये राइस पाए जाते हैं। ओके,
तो उसके बाद हम बात करें दोस्तों, अनंतनाग हो गया, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा हो गया, श्रीनगर, ठीक है। तो ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके। तो फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। प्लेन एरिया ऑफ जम्मू में दोस्तों जो सोन की जाती है राइस, वो जून जुलाई में की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है ऑटम सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू में एक तहसील पड़ती है आरसपुरा, ठीक है। आरसपुरा जो है वहां पे जो राइस जो मिलता है वो बासमती राइस मिलते हैं, काफी फेमस है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाहर, ओके। उसके बाद जो मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है जो राइस जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन सी है, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा एंड श्रीनगर, ठीक है। तो पुलवामा भी आता है और यहाँ पे कठुआ भी देखने को मिलता है, ठीक है, पुलवामा एंड कठुआ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे आपको देखने को मिलेगी फेमस राइस, ठीक है। यही था दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमने राइस की हमने बात की है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये आपको साथ साथ इसके नोट्स भी बना लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो एग्जाम के पास आप उसको रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।